हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन से कादरी और मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। सो माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, very very important system. Also we have know how many total bones in our body. Generally all of you know 206 bones is simply occur in our body, simply 206 bones. In the case of child 213 bones, 7 bones have excess. Why? Because of those 7 bones or excess in a spinal cord, back spinal cord within the pelvic girdle. There are six coccyx bones are joined. In the few cases, 7 coccyx bones are joined to form of a single bone. And as like we have discussing here today, the total skeletal system in human beings. So my dear friends, आज मैं आप लोगों के बीच ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पर डिस्कस करेंगे और इस स्केलेटल सिस्टम पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा कि आपके समझ में, आपकी नॉलेज में जानकारी हो जाए कि हमारे बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं और बोन्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने इस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन से कादरी, आप लोगों को बॉडी में कितनी बोन्स हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, नंबर ऑफ बोन्स एंड देयर पोजीशंस, कितनी बोन है और कहाँ कहाँ पर हैं, इन सारे बोन्स के टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड इन होल बॉडी स्केलेटल सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। वन इज द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एंड सेकंड इज वन इज द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, वन इज द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अदर इज द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो आई अलीमुद्दीन शेख डिस्कसिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इन ए स्कल, यू नो स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी। ऑल ऑफ यू नो आवर स्कल्स इज नॉट बी फ्लेक्सिबल, हमारी खोपड़ियां ये फ्लेक्सिबल नहीं है, दिस इज अ रिगिड, एक सॉलिड है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ सिंपली ज्वाइंट। There are so many bones are here, there are simply joints. So as like, you see this figure here, you know, see this figure. So as like, structure I have seen. So as like, all of you see, this is structure. So as like, ये structure आप देख रहे हैं जैसे इस तरह का है। तो body का जो joint है वो आपने देखा कि ये जो skull का joint है वो इसका जो दो फिंगर के बीच की जो एक लाइनिंग आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, सेम है जस्ट लाइक बोन्स आर जॉइंटेड एंड दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट आर सिंपली बी कॉल्ड टू द सेवन जॉइंट एंड सेवन जॉइंट देयर आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेवन जॉइंट इज नॉट बी मोएबल, इज आल्सो इमोएबल। सेवन जॉइंट यह हमेशा अगतिशील है, इसीलिए नहीं तो स्कल को इधर से प्रेस करते तो इस साइड में बेंड हो जाता, इस साइड से प्रेस करते तो इस साइड में बेंड हो जाता, इस साइड से प्रेस करते तो इस साइड में बेंड हो जाता। क्योंकि ये बॉडी की वो बोन्स हैं, स्कल वो बोन्स होती हैं जो सेवन जॉइंट के थ्रू अटैच्ड हैं और दे आर नॉट बी इमोबल, ये कभी भी इमोबल जो है फिक्स होती हैं, ये इमोबल होती हैं, गतिहीन होती हैं, जिसमें गतियां नहीं होती। अगर इसमें गतियां नहीं होती हैं स्कल में, तो आइए देखते हैं कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, जिसका फिगर मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का फिगर अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग देखते देखिएगा
कि मैं कहां पर किस फिगर के विषय में कैसे डिस्कस कर रहा हूं, और उस फिगर पर आप लोग जो मैं अपलोड कर रहा हूं उस फिगर पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। मैं मेरा पहला आइडियल स्केलेटन में ध्यान दीजिएगा, स्कल में टोटल 8 बोन्स होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्कल में टोटल 8 बोन्स होती हैं, काउंट करते चलिएगा और नेम राइट करते चलिएगा। ऑक्सीपेटल, ऑक्सीपेटल बोन, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पिनाइड बोन, एथेमाइड बोन, ये नाम मैंने बताया। ऑक्सीपेटल सिंगल होता है, ऑक्सीपेटल बोन सिंगल बोन, पैराइटल 2, फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, स्पिनाइड 1, एथेमाइड 1, इस तरह से आपने देखा कि ये बोन्स होती हैं। अब आप जरा सा देखिए, फ्रंटल बोन ये सामने की हड्डी होती है, फ्रंटल बोन जो आप देख रहे हैं फ्रंट पर, स्कल में आप देखिए फिगर में, तो यहां पर फ्रंटल बोन दिखाई गई, जो फ्रंट पर है ये फ्रंटल बोन है, और इस साइड में फ्रंट के बैक साइड पे ऐसे आप जाएंगे तो यहां पर ये पैराइटल बोन्स मिलती है, पैराइटल बोन्स होती हैं, और बैक साइड में यहां पर आप आएंगे, इस बोन को बोला जाता है ऑक्सीपेटल बोन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीपेटल बोन बोलते हैं, और इस साइड में आप आएंगे तो यहां पर टेम्पोरल बोन होती है, क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है, और स्फिनॉइड बोन यहां पर होती है जो कान के बगल से, और ये जो छोटा सा ज्वाइंट है यहाँ पर स्फिनॉइड बोन्स हैं, आप लोग फिगर को देखिएगा ध्यान से, उसमें एकदम क्लियर मैंने कर दिया है यहाँ पर स्फिनॉइड बोन्स हैं। अगला देखिए, चूंकि ये तो स्कल के अंदर फेस भी आ रहा है, तो फेसियल बोन भी 14 इसमें आल्सो इवॉल्व हैं, जो फेसियल बोन है उसमें देखिएगा ये नेजल बोन हो गई, ध्यान रहे कि ये बोन नहीं, ये कार्टिलेज है, इसको हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, बोन सिर्फ इसके ऊपर है यहां तक, ये बोन आप यहां तक देख रहे हैं, इसके नीचे ये कार्टिलेज है, तो ये नेजल बोन बोला गया, और ये जो है उसके नीचे एथिमाइड, यहां पर उसके नीचे आप आएंगे तो ये एथिमाइड बोन्स हो जाती हैं, और यहां पर आप जाएंगे उसके नीचे तो ये जाइगोमैटिक बोन हो जाएंगी, ये जो आप इस साइड को देख रहे हैं इसको जाइगोमैटिक बोन बोला जाएगा, ये जाइगोमैटिक बोन हो जाती है, और ये ऊपर का पॉइंट आप देखेंगे जिसको मैक्सिला बोला जाता है, मैक्सिला ये इमोवेबल होता है, अगतिशील होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती, इमोवेबल। और थर्ड पर आप जाएंगे तो मैंडिबल, ये जो लोअर जा आप देख रहे हैं जहां पर हाइलाइट बोन लगी हुई है, अटैच हुआ है बॉडी की सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन, बॉडी की सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन है, और ये मैंडिबल यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो बोन्स हैं, ये बोन्स ये आसानी पूर्वक ये मैंडिबल मोएबल होता है, गतिशील होता है, जब हम किसी फूड मटेरियल को इंटर करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, जब हम फूड मटेरियल को खाते हैं तो हमारा ऊपरी जबड़ा तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन निचला जबड़ा जो होता है, लोअर जा जो होता है, वो उसको बार बार इस तरह से ऊपर नीचे करके उस भोज पदार्थ को, उस ईटिंग मटेरियल को जो है कर्स करता है, चबाता है, पीसता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गई जो है ये जो है फेशियल बोन को मिला करके, अगर हम फेशियल बोन को मिला करके काउंट करते हैं तो ये टोटल स्कल बोन्स हो जाती हैं यहाँ पर, जिसको मैंने फेशियल को अगर छोड़ दिया, फेशियल में 14 बोन्स हैं, ध्यान रहे फेशियल में 14 बोन्स हैं और स्कल में 8 बोन्स हैं, तो ध्यान से नोट करते चलिएगा, 8 बोन फेसी जो है वो स्कल की बोन हो गई। आइए फेसियल की बोन का नाम नोट करें, आप लोग नोट करते रहिएगा, फेसियल की बोन में सबसे पहले नेजल बोन, सामने की बोन को मैंने कहा नेजल बोन, इस सामने की बोन को मैंने कहा कि ये नेजल बोन है, इसको मैंने नाम दिया ये नेजल बोन है, तो नेजल बोन हो गया यहाँ पर, ये नेजल बोन हो गई यहाँ पर, ये नेजल बोन हो गई। उसके बाद ओमर, जिसके नेजल बोन यहाँ पर है लेफ्ट राइट करके, उसके बाद ओमर सिंगल बोन होती है, टर्बाइनल 2 बोन्स होती हैं, लैक्राइनल टू बोन्स होती हैं, जाइगोमैटिक बोन टू बोन्स होती हैं, और पैलेटाइन 2 बोन्स होती हैं, मैक्सिला 2 लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जस्ट लाइक टू मैंडिबल 1 बोन, दे आर नॉट बी ज्वाइंटेड, मैक्सिला आर नॉट बी ज्वाइंटेड, इट्स सिंपली अ सिंगल बोन्स, इट मीन्स दे आर सिंपली अ सिंगल बोन्स, दे आर सिंपली फाउंड टू द मैंडिबल, एंड मैंडिबल वी हैव ऑल्सो बी डिस्कस, द मैंडिबल इज द मोबाइल एंड मैक्सिला इज नॉट मोबाइल। तो आपने देखा कि टोटल फेशियल बोन हो गई कितना, 14
14 हो गई फैसियल बोन, फिर से नंबर नोट कर लीजिए, मैंने बताया 8 बोन स्कल की बोन हो गई, 14 बोन हो गई आपके फैसियल बोन हो गई। उसके बाद आते हैं ईयर, ईयर आ जाता है, अभी हेड पर ही आप डिस्कस कर रहे हो तो ईयर पर आता है, ईयर पर आएंगे तो ईयर पर ऑक्सिसल्स बोन्स होती हैं, ईयर पर जब जाएंगे तो ईयर पर है जो है माइलिकस इनकस और स्टेपीज, माइलिकस इनकस स्टेपीज, माइलिकस टू इनकस टू स्टेपीज टू, बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन, बॉडी की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज। सबका फिगर मैं अपलोड करता चल रहा हूं अपने इस चैनल पर, ध्यान से नोट करिएगा। स्टेपीज ये टू बोन्स होते, टू ईयर ईयर्स, मैंने कहा था आपको अपने पिछले अध्याय में जो बॉडी के पेयर में पार्ट हैं उनको हम आसानी पूर्वक उनको जो है प्लूरल में बोलेंगे, जो बॉडी के पेयर में पार्ट हैं उनको हम प्लूरल में बोलेंगे, जो अकेला है वो सिंगुलर है। जैसे ईयर्स, आईज, ये प्लेयर, किडनीज, लंग्स, ये पेयर में हैं, तो जो पेयर में होते हैं उनको प्लूरल में बोला जाएगा, जो पेयर में नहीं उनको सिंगुलर में बोला जाएगा। रिब नहीं बोला जाएगा, रिब्स बोला जाता है क्योंकि ये पेयर में होती हैं। तो ध्यान रहे बॉडी फ्रेंड्स, जो बॉडी में पेयर में है उनको आप प्लूरल में बोलेंगे, जो बॉडी में पेयर में नहीं है उनको आप सिंगुलर में बोलेंगे। इस तरह से आपने देखा नेजल, होमर, टर्बाइनल, लैक्राइनल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, मैक्सिला और मैंडिबल, इस तरह से ये 14 बोन्स होती हैं। जो ये 14 बोन्स ये फेसियल बोन्स हैं जो आपके चेहरे का निर्माण करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैंने बताया था कि यदि हार्मोन की का स्क्रीजन हाई हो गया, सपोज दैट ग्रोथ हार्मोन का स्क्रीजन हाई हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन का स्क्रीजन हाई हो जाएगा तो जाइगोमैटिक बोन बाहर आ जाएगी, तो ये ठुड्डी जो है ये चिन ये नीचे की तरफ धस जाएगी और ये ठुड्डी बाहर आ जाएगी, जो है यहाँ की ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट जाइगोमैटिक बोन का बना हुआ होता है, बाहर आ जाता है, तो चेहरा आपका जो है वो उबड़ खाबड़ दिखाई देने लगता है, जो आसानी से गोल दिखाई दे रहा है, एक स्फेरिकल वे में दिखाई दे रहा है, वो चेहरा आपका स्फेरिकल में ना दिखाई दे करके वो चेहरा आपका जो है वो उभरा हुआ दिखाई देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि टोटल जो है 14 बोन्स हो गए फेसियल बोन्स। और आगे देखते हैं, यहाँ पर जो ईयर के विषय में मैंने बताया, अभी डिस्कस किया ईयर के विषय में, ईयर के विषय में 6 हैं, 3 बोन्स 1 ईयर एंड 3 बोन 1 ईयर, 3 बोन इस जो है इस कान में पाई जाएंगी, जो 3 बोन इस कान में पाई जाएंगी, जिनका नाम मैंने बताया आपको माइलियस इनकस और स्टेपीज, माइलियस इनकस और स्टेपीज, ऐसी बोन्स हैं जो कि आपके कान में पाई जा रही हैं। तो कान में पाई जाने के कारण जो है ये ऐसी बोन्स हैं जो नंबर ऑफ टू पेयर में है, तो एक ही साइड में, एक ही साइड में तो दो दो बोन हो गई। तो आपने देखा कि माइलियस टू, इनकस टू, स्टेपीज टू, तो इस तरह से टू 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 थ्री बार टाइम्स आया, टू थ्री जा सिक्स, तो 6 बोन ये हो गए। अब आप काउंट कर लीजिए, 8 बोन आपकी हो गई स्कल की, 14 बोन फैसियल बोन और 3 बोन्स आ गई आपकी ईयर्स बोन। अब आप ध्यान दें, एक लास्ट की बोन यहाँ पर होती है जिसको बोला गया हाइवाइड, हाइवाइड जिसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, हाइवाइड बोन है स्ट्रांगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हाइवाइड, और ये यू आकार की, यू शेप की बोन होती है हाइवाइड, और ये बॉडी में सिंगल होती है। इस तरह से अगर आप टोटल काउंट करते हैं 7, 6 और 1, 7, 4, 11 हो गया 8, 9, यहाँ पर हो गया 1 और 6, 7, 7, 4, 11 और 8 कर दिया तो 9 हो गया, तो इस तरह से 19 और 19 में और 1 हो गया जो है, इस तरह से कैरी करेंगे 1 तो 1, 1, 2, तो 29 बोन्स हो जाएंगी आपकी, 29 बोन्स हो जाएंगी आपकी पूरे यहाँ से लेकर के जो फैसियल बोन माने स्कल में की टोटल बोन, जहां पर कि फेस भी आता है और ये भी आता है। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर आपने देखा कि जो बोन्स मैंने काउंट किया ये टोटल 29 बोन्स हो गए स्कल में। स्कल अकेले नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्कल अकेले नहीं है, विथ फैसियल बोन भी है। क्या है? विथ फैसियल बोन भी है, अकेले नहीं है ये। अगर ये अकेले होता तो इसमें 8 बोन्स ही पाई जाती, अकेले होता तो इसमें 8 बोन्स ही पाई जाती, 8 नहीं पाई जा रही हैं, इसलिए आपने देखा कि इसमें जो है ये फेस भी मिला हुआ है और इसमें जो है ये भी का जो है ईयर भी मिले हुए हैं और ईयर भी मिलने के कारण और एक हाइवाइड की बोन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि
की वन बोन हाइराइड की, सिक्स बोन ईयर की, 14 बोन फेस की और 8 बोन स्कल की। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बोन्स को अगर देखा जाए तो आपने देखा कि 29 बोन्स आ गए किसमें, स्कल में। तो स्कल यहां दिखा गया 29 बोन्स, जिसका फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं, इसका फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं कि यहां पर 29 बोन्स आ गई। अब ये 29 बोन्स जो होती हैं, 29 बोन्स जो होती हैं, ये जो होती है स्कल की बोन है। और वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल में आता है, वर्टिब्रल कॉलम को बोला जाता है कशेरुक दंड, जिसका फिगर मैं अपलोड कर रहा हूं, फिगर देखते चलिएगा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसका फिगर आप देखिएगा। तो वर्टिब्रल में इसमें नंबर ऑफ टोटल बोन्स जो होती हैं वो 26 बोन वर्टिब्रल में होती है। ध्यान रहे ये 26 और 7 बोन कॉकिक्स की अगर मिला देते हैं तो 33 बोन्स हो जाती हैं। और जब ये 33 बोन्स हो जाएंगी तब वहां पर चाइल्ड में देखा गया कि इसकी संख्या जो होती है 213 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल बोन्स जो है 206 हैं, इसका मतलब ये होता है कि 6 बोन ज्वाइंट होकर के सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कॉकिक्स की जो 7 बोन्स हैं ये ज्वाइंट हो जाती हैं। तो इस तरह से 206 बोन जो है ये ज्वाइंट को लेकर के, अगर ज्वाइंट को सेपरेट कर दिया जाए तो प्लस 7 और कर दीजिएगा, 6 + 7 = 13 बोन्स हो जाती है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्ड, नॉट बी अ यंग ह्यूमन बॉडी, ये चाइल्ड। बच्चों में आपने देखा कि टोटल 213 हड्डियां होती हैं और वयस्कों में 206 हड्डियां होती हैं। अब पूछता कोई 7 हड्डी कहां गई, तो आप बोलेंगे कि 7 बोन्स जो होती हैं कॉकिक्स की, 7 बोन्स जो होती हैं वो आपस में ज्वाइंट होकर के सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो जो पेल्विस गर्डिल में इवॉल्व होती हैं, पेल्विस गर्डिल में धसी हुई होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आइए देखते हैं कि अब हम बताते हैं बैक बोन स्पाइनल कॉर्ड के विषय में, जिसका वर्टिब्रल कॉलम मैंने नाम दिया है। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले आता है नेक, नेक मींस क्या होता है, गर्दन, नेक मींस होता है गर्दन। गर्दन में कौन कौन सी हड्डी, गर्दन मींस यहां से यहां तक का पार्ट है, इसी को नेक बोला जाता है। ये नहीं कि गर्दन यहां से लगा यहां तक का ये सब गर्दन ही नहीं, गर्दन जो है ये यहां से लेकर के जो है जाइगोमैटिक बोन के नीचे से लेकर के और यहां तक जो कॉलर बोन तक आते हैं, तो यहां तक ये नेक बोन बोली जाती है। तो गर्दन में जो है इसको सर्वाइकल बोन बोला जाता है, सर्विकस जो है, और ये सर्वाइकल बोन्स जो होती है, नंबर ऑफ बोन्स जो होती है 7 होती है। नोट करते चलिएगा, सर्वाइकल बोन्स जो होती है ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है ये 7 बोन्स हैं। और दूसरी बोन्स होती है हमारे पास जो है थोरैक्स की, थोरैक्स में होता है वक्ष हड्डी। और ध्यान रहे कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी वाइटल पार्ट हैं इसी थोरैक्स, थोरैक्स मींस ए टाइप ऑफ केज, ए टाइप ऑफ केज, केज मींस पिजड़ा, ए टाइप ऑफ केज, एक प्रकार का थोरैक्स एक प्रकार का पिजड़ा होता है, उसी के अंदर आपका लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, ये सारे पार्ट जो है उसी के अंदर ये फिलअप होते हैं, उसी के अंदर पैक्ड होते हैं, बंद होते हैं। ये जो थोरैक्स की बोन होती है, इसमें थोरैक्स की बोन में जिसको थोरैसिक कशेरुका बोला गया, ये थोरैक्स की बोन जो होती है वक्ष की हड्डियां जो होती हैं 12 हैं, कितनी हैं 12। ध्यान रहे कि 12 बोन्स होती है वन साइड, 12 बोन अदर साइड। तो अभी मैं सिर्फ एक्सियल बोन में माने स्पाइनल कार्ड पर चल रहा हूं, तो जहां से ये रिब्स चालू होती हैं बैक साइड में, नेक में आपने देखा 7 बोन, नेक के बाद जहां से रिब चालू हो जाती है कॉलर बोन से लेकर के ये रिब के लोअर पार्ट तक, यहां तक जितने जो है बैक बोन के जितने बोन्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर होता है 12। और लंबर मींस होता है कट प्रदेश, कमर का क्षेत्र, कमर के क्षेत्र में 5 बोन्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती है 5 बोन्स होती हैं। और सैक्रल का बोन्स होती है सैक्रल बोन्स, सैक्रल बोन अकेले सिंगल होती है सैक्रल बोन, या बच्चों में इनकी संख्या 5 होती है और कभी कभी ये 4 भी देखे गए, तो 5 और 1 मिलाकर के 6 बोन ये हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि जो बोन्स हैं वो आसानी पूर्वक ये ज्वाइंट हो जाती, बच्चों में ये नहीं ज्वाइंट होती, लेकिन जब ये एडल्ट करते हैं डेवलप करते हैं ऐसी कंडीशन में ये ज्वाइंट हो जाती हैं। और जब ये ज्वाइंट हो जाएंगी, सो माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाइंट होकर के एक बोन बना लेती हैं, सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो सिंगल बोन में कन्वर्ट होकर के उसको कहा जाता है ये कॉकिक्स की बोन है, किसकी बोन है,
कॉकिक्स की बोन है और कॉकिक्स की सिंगल बोन के नाम से हम उसको काउंट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉकिक्स की सिंगल बोन के नाम से उसको काउंट नहीं किया जाएगा। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ सिक्स बोन्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 206 था उसमें ये 6+1 सेवन बोन को हमने एडजस्ट कर दिया, मिला दिया। जब सेवन बोन को इसमें हमने मिला दिया तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गई इसकी जो है 213। इस तरह से आपने देखा टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है 213 बोन्स हो जाती हैं, जिसमें जो है एक्सियल स्केलेटन में आपने देखा, वर्टिब्रल कॉलम में बता रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम टोटल बोन्स हो गए नंबर ऑफ 26। ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन है नंबर ऑफ 26 बोन्स। ये नंबर ऑफ 26 बोन्स जो होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन होती हैं। आ जाइए उसके बाद अगले पार्ट पर चलते हैं, हम अगले पार्ट पर चलते हैं स्टर्नम। ध्यान दीजिएगा, जहां से कॉलर बोन स्टार्ट हुई है यहां से लेकर के जहां पर आपका डायफ्राम होता है वहां तक एक सिंगल बोन होती है। उसका शेप मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह से उसका शेप होता है, इस तरह से उसका शेप होता है। तो शेप उसका इस तरह से होता है, इस तरह से। यहां पर ये जो अकेली बोन्स होती हैं, ध्यान रहे कि ये हार्ड होती है, और कुछ तो जो है बोलते हैं कि ये स्टर्नम जो है ये बोन है, स्टर्नम जो है ये बोन है, लेकिन अगर थोरैक्स को सेपरेट करना हुआ, वक्ष का सीजर करना हुआ, तो इसी स्टर्नम को साइड से ही काट दिया जाता है, क्योंकि यहीं पर जाकर के बोन आपस में मिल जाती है, वहीं से इनको आसानी से सेपरेट कर दिया जाता है। तो थोरैक्स को सेपरेट करके आसानी से कर लिया जाता है। ये जो जब सीजर करते हैं या फिर जब जो पीएम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, ऐसी कंडीशन के लिए है, और नहीं तो अगर लंग्स या लीवर या ऐसी जगहों पर सीजर करना हुआ तो एब्डोमेन से रीजन से ही जो है वो सीजर लगा करके वहां पर सीजर किया जाता है। और ध्यान रहे कि ये स्टर्नम सिंगल हो गई। अगली होती है रिब्स, मैंने बताया रिब्स जो होती है 12 बोन वन साइड, टोटल नंबर ऑफ टोटल बोन्स 24। इस तरह से 12 बोन हो गई, 12 माने 12 बोन लेफ्ट साइड एंड 12 बोन राइट साइड, तो 12 बोन राइट साइड एंड 12 बोन लेफ्ट साइड। इस तरह से 12 + 12 = 24। तो आपने देखा कि जो है इसमें पसलियां रिब्स जो होती है टोटल वो 24 होती हैं। आइए फिर से एक बार काउंट किया जाए। आपने फिर देखा कि स्कल में 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन, रिब्स में 24 बोन्स और स्टर्नम सिंगल बोन्स। ये रहा आपका एक्सियल स्केलेटन, जिसके सारे फिगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने टोटल नंबर ऑफ बोन्स को देखा, स्टडी किया, पढ़ा। अब आपको एक एक बोन का फिगर भी मैं अपने चैनल पर देते चल रहा हूं, आप लोग एक एक बोन का फिगर भी देखते चलिए, स्टडी करते चलिए, पढ़ते चलिए। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है। अभी तो आपने देखा कि मैंने बताया सिर्फ जो है ये एक्सियल जो है एक्सियल स्केलेटन है। अब आइए देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं। ध्यान से फिर सुन लीजिएगा, एक्सियल स्केलेटन में स्कल आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, थोरैक्स आ गए, फेस आ गया, ये एक्सियल स्केलेटन में आ गए, स्टर्नम आया, ये स्टर्नम को टोटल लेकर के, तो ये जो है बोन्स आ गई आपकी। फिर से देखिएगा, तो यहां पर आपने अगर टोटल बोन को काउंट किया है, माय डियर फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, स्कल में टोटल 8 बोन, काउंट करते चलिएगा, स्कल में टोटल 8 बोन और फैशियल बोन 14 बोन होती है, 14 बोन्स जो है। उसके बाद ईयर में 6 दोनों साइड के ईयर्स, नॉट बी ईयर, ईयर्स, ईयर कहेंगे तो 3 बोन इस साइड लेफ्ट साइड, 3 बोन राइट साइड, तो ईयर्स, ईयर्स में 6 बोन्स। और वर्टिब्रल कॉलम में आपने देखा 26 बोन्स, और उसके बाद स्टर्नम आपने देखा सिंगल, और रिब्स आपने देखा 24, पसलियां 24 मींस 12 पेयर ऑफ रिब्स। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? If you have so, if you have not to any confusion, please ask me. No doubt, no confusion. तो इस तरह से आपने टोटल नंबर ऑफ बोन्स को देखा कि ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स है, जिसके सारे फिगर मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करते चल रहा हूँ और एक एक करके डिस्कस करते चल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ बोन्स पर आप जो है ध्यान रखिएगा,
ये ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम क्या है, कैसे है, किस तरह से स्टडी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केलेटल सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम होता है पूरे बॉडी का जो हमको आसानी पूर्वक खड़ा कराए रखने का कार्य करता है। तो स्केलेटल सिस्टम के थ्रू ही हम आसानी पूर्वक खड़े रह सकते हैं। यदि हमारी लंबर की बोन वर्क करना बंद कर दे, आप सोचो कि कमर की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या आप खड़े हो सकते हैं? नहीं। सपोज करो मैंने एक बोन बताया आपके स्कल में, टोटल बोन तो आपके स्कल में टोटल बोन्स जो है वह एट बोन है। एट बोन कहाँ है? आपके स्कल में एट बोन है। अगर आपके स्कल में एट बोन है तो एट बोन में आपने क्या देखा कि एट बोन में आसानी से सीवन ज्वाइंट के थ्रू ये जुड़ी हुई है। सीवन ज्वाइंट के थ्रू ये एट बोन्स आपस में जुड़ी हुई है। तो जो एट बोन आपस में जुड़ी हुई है, इस एट बोन में आपने देखा कि ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्पिनॉइड और एथेमाइड, ये एट बोन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई ज्वाइंटेड बोन्स हैं। तो एट बोन्स इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जब इनको अलग नहीं किया जा सकता है तो इसको हम आसानी पूर्वक जो है ये सीवन ज्वाइंट के थ्रू है, सीवन ज्वाइंट के थ्रू है, तो इनको अलग नहीं कर सकते हैं और जो है अलग नहीं कर सकते, ये आसानी पूर्वक जो है ये डेवलप करती रहती हैं। इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो एट हो गई, तो एट बोन्स हो गई। तो अब आप देख रहे हैं फैशियल बोन्स में मैंने बताया 14 बोन्स, फैशियल बोन्स में मैंने बताया 14 बोन्स होती हैं, तो जो 14 हड्डियां हैं, तो 14 हड्डियां जो है ये तो आपने देख लिया 14 बोन्स हो गई, फैशियल बोन जिनको बोला गया, और 6 बोन ईयर्स की बोन हो गई, 1 बोन हाइवाइड हो गई, और वहाँ पर आपने अब दूसरा आप देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम की बोन, जो वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड की बोन है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, वर्टिब्रल कॉलम की टोटल नंबर ऑफ बोन्स 26 हो गई। इस तरह से आपने देखा कि स्टर्नम सिंगल बोन हो गई, स्टर्नम में आपने देखा कि जो आसानी पूर्वक आपके सेंटर पार्ट से लगी हुई है इसको स्टर्नम कहा गया। स्टर्नम अकेले होती है, उसके बाद रिब्स होती हैं, रिब्स की टोटल बोन्स होती हैं 12 पेयर है, एट नंबर ऑफ बोन्स टोटल 24 हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये इतनी बोन्स हैं जो हमारे जो है बॉडी में आसानी पूर्वक पाई जा रही हैं। तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ आपको? इस तरह से आपने देखा, जरा सा काउंट कर लीजिएगा, तो इस तरह से 29 बोन्स आपकी हो गई सिर में, वक्त जो है हेड में 29 बोन्स हो गई, और 26 बोन्स हो गई आपकी जो है जो बैक बोन जिसको वर्टिब्रल कॉलम आपने कहा, हम काउंट करते चलिएगा, तो ये 29 हो गया और प्लस 26 हो गया, प्लस 24 हो गया, प्लस 1 हो गया, अगर काउंट करिए आप 1 4, यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर कर्ण अस्थियाँ जो कर्ण अस्थियाँ हैं, ईयर बोन्स जो होती हैं, यहाँ पर ईयर बोन है, ये 6 है, तो काउंट करिएगा आप लोग, 24 6 31, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जो है 31 और 29 को आप काउंट कर दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 60 प्लस 26 हो जाएगा तो 86 बोन्स हो जाएंगे। 86 बोन्स तो आ गई आपकी कहाँ पर? ये एक्सियल स्केल्टन में आ गई 86 बोन्स, ध्यान रहे 86 बोन्स एक्सियल स्केल्टन में आ गई, 86 तो यहाँ पर आ जा रही। अब बची 206 हड्डियों में से 86 यहाँ पर आ गई। अब आइए जरा सा अपेंडिकुलर स्केल्टल को देखा जाए। अपेंडिकुलर स्केल्टल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स, अपेंडिकुलर स्केल्टल को डिवाइड करते हैं हम, पहला पार्ट होता है इसका थोरैक्स, तो आप देखिएगा यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केल्टल मैंने लिखा, और इसका जो पहला पार्ट है थोरैक्स, थोरैक्स में आपने देखा ये 4 बोन्स होती हैं, जिसमें थोरैक्स में जो को डिवाइड किया गया, तो थोरैक्स में जो डिवाइड किया गया, थोरैक्स का जो पहला पार्ट होता है वो पेक्टोरल गार्डिल होता है। क्या होता है? पेक्टोरल, ये पेल्विस गार्डिल है, पेल्विस गार्डिल की 3 बोन्स होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। पेल्विस गार्डिल में 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, और यहाँ पर पेक्टोरल जो है गार्डिल होता है। हमारे बॉडी में 2 गार्डिल होते हैं, 2 मेखलाएं होती हैं, 2 गार्डिल होते हैं, एक को पेक्टोरल गार्डिल बोला गया और दूसरे को पेल्विस गार्डिल बोला गया। तो पेक्टोरल गार्डिल में जो होते हैं, पेक्टोरल गार्डिल में ये टोटल जो है
पेक्टोरल गार्डिल में ये फोर बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें टू स्कैपुला होता है, टू क्लेविकल होते हैं। टू बोन इसके स्कैपुला हैं और टू बोन इसके क्लेविकल हैं। तो आपने देखा कि क्लेविकल और स्कैपुला दोनों को मिला दिया जाए, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, तो फोर बोन्स आपकी मिल जाती है पेक्टोरल गार्डिल में। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि फोर बोन आपको मिल गई जो है इसके जो है यहाँ पर पेक्टोरल गार्डिल में, जिसका भी फिगर मैं अभी जो है अपने इस चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ। फोर बोन्स जो है वो पेक्टोरल गार्डिल में है, जिसको हम अंश मेखला कहते हैं, और जो पेल्विस गार्डिल है इसको हम श्रोण मेखला कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये बोन हो गई। दूसरा है फोर लिम्स, फोर लिम्स जिसको पेल्विक गार्डिल बोला गया। फोर लिम्स में पहला आ रहा है फोर लिम्स कुला, फोर लिम्स कुला, ध्यान दीजिएगा, फोर लिम्स में दो लिम्स आते हैं, अग्र और पश, एंटीरियर और पोस्टीरियर, अपर एंड लोअर, क्लियर। फोर लिम्स, अग्रभाग, अग्र हाथ, अगले अगला हाथ, लिम्स में पैर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम इस पैर को हाथ की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन विज्ञान इसको हाथ अभी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हैं, जिस तरह से आपका लोकोमोशन होता है, उसी तरह से आपके हाथ में भी मोशन होता रहता है इस तरह से। तो आप ये जो है पैरों के चलने की गति के अनुसार होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि फोर लिम्स में जो ऊपरी बाहु है, जिसको ह्यूमरस बोला गया, ये प्रगंडिका, ह्यूमरस, ह्यूमरस एक दाहिनी साइड में तो एक बाई साइड में, पेयर में देखिएगा, ह्यूमरस दो, एक दाहिनी साइड में एक बाई साइड में, फिगर अपलोड कर दे रहे हैं, एक दाहिनी साइड में एक बाई साइड में, दो ह्यूमरस हो गए। और रेडियस अलना, यहां पर रेडियस इस साइड में अलना, रेडियस अलना दो यहां, टू टू फोर हो गया रेडियस अलना फोर। उसके बाद कार्पल्स, कार्पल्स फोर यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, फोर कलाई की यहां पर जो मुड़ने वाली हड्डियां है, कार्पल्स यहां पर, ये फोर इस साइड में है, फोर इस साइड में, टोटल हो गई एट। और जो है कार्पल्स रेडियस अलना फोर, सॉरी कार्पल्स एट और एट सिक्सटीन, माने कार्पल्स एट यहाँ है, एट यहाँ है, सिक्सटीन बोन कार्पल्स की। और हस्त, जिसको मेटा कार्पल बोला गया, ये देखिएगा यहाँ पर इसको हाथ बोला गया, हाथ यहाँ से, तो ये जो बोन्स होती है मेटा कार्पल टेन होती है, फाइव फिंगर्स है ना, तो फाइव इस साइड में हो गया, फाइव इस साइड में हो गया, फाइव फाइव टेन, तो ये कार्पल्स के नंबर होते हैं टोटल टेन। और फालेंजिस, फालेंजिस को कहा गया जो है अंगुलास्थि, अंगुलियों की हड्डी, जरा काउंट करिए, एक दो तीन, यहां थ्री हो गए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। थम्स में दो बोन होती है, ध्यान रहे थम्स में तीन नहीं है, बाकी है कि फिंगर में तीन है लेकिन थम्स में दो, तो 14 बोन्स इसमें आई कि नहीं आई, अगर फालेंजिस में 14, क्लियर हुआ ना, जहां जितना मुड़ रहा है उतना काउंट करो आप, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और ये 14, इस तरह से आपने 14 देख लिया, 14 फालेंजिस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो 14 फालेंजिस लेफ्ट साइड में, 14 कितना हो गया 28, तो 28 बोन्स हो गई आपकी सिर्फ फालेंजिस की। अब जरा काउंट करके देख लो, तो काउंट करके आपने देखा कि यहां पर पेल्विक गार्डिल में आपको मिला जो है फिर से देखिएगा, पेक्टोरल गार्डिल में आपको 4 बोन मिल गए, पेल्विक गार्डिल में आपको 6 मिल गए, इलियम एशियम प्यूबिस, तो यहां पर उसके बाद आप आ गए फोर लिम्स में, फोर लिम्स में टोटल, फोर लिम्स में वन साइड 30 बोन्स, 30 हड्डियां एक साइड में है, ह्यूमरस टिबियो फिबुला सॉरी रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और यहां पर कार्पल्स मेटाकार्पल्स फालेंजिस, इस तरह से आपने देखा कि ये 30 बोन हो गए, ये 30 बोन हो गए, तो 30 बोन यहां पर दोनों साइड को मिला देंगे, 30 कितना हो जाएगा 60 बोन आपकी आ गई, 60 बोन आपकी आ गई इन दोनों हाथों की, दोनों हाथों में जो बोन्स पाई जा रही हैं, ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है ये 60 बोन्स हैं, तो दोनों हाथों में की टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है ये 60 बोन्स हैं, तो 60 बोन यहां पर हो गई। ठीक है, ये अब हम आगे चलते हैं जो पश्चपात की तरफ, अपने लोअर गार्डिल की तरफ आइए देखते हैं, तो जिसको कहते हैं पश्चपात,
जिसको हम कहते हैं हाइंड लिम, नीचे कमर के नीचे पैर की हड्डियाँ। कमर की हड्डी को मैंने बता दिया लंबर बोलते हैं, जहाँ पर सिक्स है, और उसके नीचे आइए पेल्विक गर्डल है। पेल्विक गर्डल को मैंने बताया कि थ्री बोन्स होती है, इलियम, इस्टियम और पीबिस। उसके बाद आइए नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर ये लंब जो है हाइंड लिम आ जाते हैं। हाइंड लिम में ध्यान दीजिएगा फीमर, जिसको जांघ की हड्डी, जंघा नहीं, ध्यान दीजिएगा, जंघा अलग है, जांघ अलग है। तो जंघा, तो ये जांघ की हड्डी है फीमर, सबसे लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। क्या है वो? फीमर, फीमर है। क्या है वो? फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। दो, तो एक तो जो राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, टोटल कितनी बोन्स हो गई? टू बोन्स हो गई आपकी फीमर की। उसके बाद पिंडली में आ जाइए, टिबियो फिबुला, राइट साइड में टिबियो, उस साइड में फिबुला, टिबियो फिबुला दो, एक साइड पैर में हो गया, दो बोन दूसरे पैर में हो गया, 2-2-4। इसका फिगर अपलोड होता चल रहा है। तो 2-2-4 बोन्स जो हो गई, ये आपकी टिबियो फिबुला की बोन्स हो गई। उसके बाद आप देखेंगे घुटने पर आ जाइए, नी पर आ जाइए, घुटने पर आ जाए, यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुजाकार रूप में पटेला मिलता है, तो एक लेफ्ट पर मिलेगा तो एक राइट पर मिलेगा, इस तरह से दो पटेला मिल जाते हैं, और दो पटेला मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं? तो एक लेफ्ट का और एक राइट का, तो दो पटेला आपको मिल गए। तो यहाँ पर दो पटेला मिल गया। टार्सल्स देखिए, टार्सल्स 7 बोन टार्सल्स की होती है, वन लेग में, अदर लेग में 7 बोन टार्सल्स की होती है, तो 7+7 कितना हो गया? 14 बोन्स जो होती हैं वो टार्सल्स की हो जाती हैं। मेटाटार्सल्स की देखिएगा 5-5-10, मेटाटार्सल की 5-5-10, ये 10 जो होती है मेटाटार्सल्स की होती हैं। और फाइलेंजिस 14 लेफ्ट साइड की, 14 राइट साइड की, तो 14 लेफ्ट और 14 राइट, ये दोनों 14 को आप काउंट करेंगे, ये टोटल आ जाएगा 28। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से टोटल बोन को काउंट करिए, 2, 4, 6, 2, 8, 8 और 14, 22 प्लस 10, तो हो गया 22 प्लस 10 करेंगे, तो 22 प्लस 10 करेंगे 32 प्लस 28 करेंगे 60। क्लियर हो गया? 60 बोन आपके आ गए, वो जो है कहां पर आ गए? 60 बोन आ गए आपके हाइंड लिम में, दोनों साइड में। अगर एक साइड का कहा जाएगा तो 30, दोनों साइड का कहा गया तो 60। क्लियर हो गया? तो 60 बोन आपके हाइंड लिम में आ गए और 60 बोन आपके फोर लिम में आ गए। तो 60 कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो 120 बोन ये हो गया, 2 बोन हो गया आपका, जो 6 बोन होगा, हो गया आपका पेल्विस गर्डल का, इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। तो 120 प्लस 6 हो गया 106, सॉरी 126 यहां पर आ गए। और 4 बोन आ गया आपका, जो है 4 बोन आपका आ गया पेक्टोरल गर्डल का, तो 126 करेंगे तो 130 आ गया। अब ये 130 बोन्स आपकी आ गई जो है अपेंडिकुलर स्केल्टन में। तो अपेंडिकुलर स्केल्टन में आपने देखा कि 130 बोन्स आ गई और 86 बोन्स आई थी आपकी वो जो है एक्सियल स्केल्टन में, 86 एक्सियल स्केल्टन की, और 126 आप जोड़ देंगे किसका? 126 आप जो जोड़ देंगे अपेंडिकुलर स्केल्टन की। इस तरह से माय डियर फ्रेंड, 126 प्लस 80 आप जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स आ जाएंगे 206। क्लियर हो गया? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज आपको टोटल नंबर ऑफ बोन्स के विषय में बताया, और सारी की सारी बोन्स के नाम बता दिए मैंने आपको। ऐसा नहीं किसी बोन का नाम मैंने छोड़ा हो, ध्यान रहे बोन का नाम नहीं छोड़ा गया, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपको बताई गई, और कहां पर का किस बोन की पोजीशन ये बताया गया। अब बोन हमेशा जो है वही बोन सबसे ज्यादा स्ट्रांग वर्क करती है जो बोन ज्यादा से ज्यादा मसल से जुड़ी हुई होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो मसल से जुड़ी हुई है उतना ही ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो मसल से कनेक्टेड है, मसल से जुड़ी हुई है। अगर वो मसल से नहीं जुड़ी होती, मसल से नहीं कनेक्टेड होती, तो एक्टिव नहीं होती। क्लियर हो गया ना? ये मसल से जुड़ी हुई बोन है। तो इस तरह से आपने देखा कि मस्कुलर बोन्स होता है तो ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट पर अगर हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो अब आप देखिएगा कि माथे की हड्डी, इसको फ्रंटल बोन बोला गया, भाई ये हेड पर से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर ये जो आगे
ये बोन जो आप देख रहे हैं फ्रंटल बोन, ये बहुत ज्यादा आगे नहीं आएगा ये प्लेन में। जब ये ह्यूमन अपने डेवलपिंग नेचर में नहीं था, तो पूरी तरह से सपाट था, पीछे तरफ खिंचा हुआ था, लेकिन जब डेवलपिंग नेचर में आया तो सामने फ्रंट पर आ गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा फेस, पहले के मानव के, आदि मानव के फेस और आधुनिक मानव के फेस में अंतर देख लीजिएगा। उनका फेस जो कप के समान था, एप के समान था, बंदर के समान था, लेकिन आज के मानव का फेस ऐसा नहीं है, गोला है, सुंदर है। तो वो क्या है कि बोन का एडजस्टमेंट है। क्या है? बोन का एडजस्टमेंट है। और ये बोन आसानी पूर्वक जो है ये लगी हुई होती है और एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। ज्वाइंट होने में कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, बाल एंड सकेट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट, पाइवाइड ज्वाइंट और जो है हिंग ज्वाइंट, इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। और आपने देखा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, या जैसे ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, इसको आप खींचते हैं तो कलाई की हड्डी में आप देखेंगे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है। ये ग्लाइडिंग करते हैं, स्लिप करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, अगर ये स्लिप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाएगा। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गए। उसके बाद आप देखते हैं कि इस तरह से मैंने बताया कि ये ज्वाइंट होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बालन साकेट ज्वाइंट और जो है हिंज ज्वाइंट, इमोवेबल ज्वाइंट, जिसको इमोवेबल ज्वाइंट को लिए मैंने बताया सिरमी, सिर में जो ज्वाइंट्स होते हैं, हड्डियां जो जोड़ी जुड़ी हुई होती हैं, ये इमोवेबल ज्वाइंट के थ्रू होती हैं, सैडल ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट एंड पाइवाइड ज्वाइंट। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्सों को देखा। इन ज्वाइंट्सों से बालन साकेट ज्वाइंट है तो आप आसानी पूर्वक देखते हैं, लेकिन कब्जा संधि है तो देखे एक ही दिशा में, ये इस साइड में मूवमेंट करेगा लेकिन इस साइड में मूवमेंट नहीं करेगा, ध्यान रहे। वन साइडेड मूवमेंट है, वैसे पैर में बैक साइड में मूवमेंट है। अगर आप सोचे पैर को आगे की साइड में मोड़ लिया जाए, इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पर उस तरह का मूवमेंट नहीं, वन साइडेड मूवमेंट है वो। इस तरह से आपने देखा कि बॉडी की जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो इस तरह से एक्टिव होती हैं। अब मैं अपने इस लेक्चर में टोटल बोन का स्ट्रक्चर, फिगर, सारी चीजें अपलोड कर दे रहा हूं। और मैं अलीमुद्दीन शेख कौधरी, आज मैंने स्केलेटल सिस्टम के विषय में बताया और टोटल बोन्स को मैंने लिखा दिया आपको, आप याद रखिए। और बोन की पोजीशन, उसके फंक्शन, अब इसके विषय में इसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, बोन बनती कैसे है, बोन मैरो कैसे बनते हैं, ब्लड कैसे बनता है, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो मैं जो है अलीमुद्दीन शेख कौधरी और मेरा कोचिंग चैनल जो है वह है कादरी कोचिंग क्लासेस, और मेरा यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन से कादरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे विनती है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को अलीमुद्दीन से कादरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा लेक्चर लगातार चलता रहेगा, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मेरा लेक्चर अपलोड न किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट न किया जाए, मेरा लेक्चर पर डे चलता रहेगा। तो इस तरह से जो मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं अपने लेक्चर को लगातार देता रहूंगा और आप लोग हमारे इस लेक्चर के माध्यम से आने वाले समय तक सारे ज्वाइंट्स को जान लिए। मैंने पांचों ज्वाइंट आपको बता दिया, इसका फिगर भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, पांचों ज्वाइंटों के फिगर भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, तो ये फिगर भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद मैंने बॉडी की टोटल नंबर ऑफ बोन्स को बता दिया, उनकी पोजीशन को बता दिया, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है उसको बता दिया, फोर लिम क्या है, हाइंड लिम क्या है बता दिया, और बॉडी को दो पार्ट में मैंने डिस्कस कर दिया, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस कर दिया। इस तरह से टोटल 206 बोन्स का मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मेरा अगला टॉपिक जो है इससे भी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जीके का भी एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन जो है राइज किया जा सकता है, पुट आउट किया जा सकता है। तो कुछ जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से और भी एक्टिविटीज की दृष्टि से आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और
जो है लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि नॉलेज को जितना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नॉलेज उतना ही ज्यादा एक्सेस होता है, उतना ही ज्यादा बढ़ता है। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।